फ्लोर देख रहे हैं, बड़ी डिफरेंट सी लुक आ रही है इसकी। वुडन पैनलिंग इसके अगेंस्ट की हुई है, जबरदस्त किस्म का वॉलपेपर लगा हुआ है। लाइट देखें, स्पेशली द लाइट इज वेरी नाइस। स्पाइरल रैपिंग के अंदर जो ये लाइट दी हुई है, हैंगिंग लाइट, ये बहुत ही जबरदस्त लुक दे रही है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर पौने छः मरले के घर का विजिट कराएंगे। और ये घर बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है, रफ़ी ब्लॉक बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी के अंदर। लोकेशन के हवाले से बताऊं कि इसके जो सामने बहुत ही बड़ी सी रोड है, ठीक है, ये बेसिकली मेन बुलेवार्ड के ऊपर है। घर जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, अंदर से जब आप देखेंगे घर तो आपको बहुत पसंद आएगा। घर जो है वो 3 बेडरूम है, डबल यूनिट हाउस है ये। ऊपर भी किचन है, नीचे भी किचन है, पाउडर रूम भी है, हर बेड के साथ अटैच्ड वॉशरूम भी है, और बहुत ही ज़बरदस्त और डिज़ाइनर हाउस ये बना हुआ है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, एंड आई एम श्योर कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत ही घर ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको घर पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द हाउस। मैं आपको अंदर आते सारी बताऊंगा कि जो ही हम अंदर एंटर होते हैं घर के अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास ये बेसिकली टीवी लाउंज का एरिया आ जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ जो है ब्लैक टाइल से लगा हुआ ये आप फ्लोर देख रहे हैं, बड़ी डिफरेंट सी लुक आ रही है इसकी। और ये बेसिकली जो है वो ड्राइंग रूम है, इसकी एक्सेस जो है वो हमें इधर से भी है, बाहर से अलहदा से भी एक्सेस दी हुई है। ये इस पूरे एरिया को हम बंद भी किया जा सकता है, जैसे कि आपको पता है ये बाइफरकेशन टाइप सी भी दी हुई है। ज़बरदस्त किस्म की वॉल डिज़ाइनिंग इस घर के अंदर हुई हुई है, हर जगह आप देखें ये बहुत ही खूबसूरती से फाबियाई आला रबी कुमा तो कस्जबान लिखा हुआ है, कुरानी आयत एक लिखी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है, वुडन पैनलिंग इसके अगेंस्ट की हुई है, ज़बरदस्त किस्म का वॉलपेपर लगा हुआ है। आप इसके ऊपर देखें कि फ़ैन जो है वो वुडन थीम का फ़ैन इसके ऊपर दिया हुआ है, लाइटनिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है। साथ ही जो ये वाली फ्लोरिंग है वो पूरी वाइट कलर की है, वाइट थीम की फ्लोरिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है ना आप देखें कि ये LED का एक रैक दिया हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, प्योर वुड के अंदर है। और हमारे बिल्कुल सामने एक ओपन किचन है, इसको अगर आप बंद करना चाहेंगे तो आप बंद भी कर सकते हैं। लाइट देखें, स्पेशली द लाइट इज़ वेरी नाइस। स्पाइरल रैपिंग के अंदर जो ये लाइट दी हुई है, हैंगिंग लाइट, ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रही है। काउंटर टॉप जो है वो प्रॉपर इस किचन के अंदर जो है वो ग्रेनाइट के दिए हुए हैं। देन अगेन वाइट और ब्लैक का जो थीम का कॉम्बिनेशन है ना, वो किसी भी किचन के अंदर जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और किचन देखें आप, बड़ा कंटेम्प्रेरी सा किचन है, और सिंपल चीज़ें लगी हुई हैं, प्रॉपर नैस गैस का जो है वो स्टोव लगा हुआ है, हुड जो है वो भी बड़ी अच्छी कंपनी का लगा हुआ है। और मतलब आप देख सकते हैं काम की क्वालिटी से चेक अंदाज़ा लगाएं कि काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। अच्छी MDF की हाई ग्लॉस शीट्स का इस्तेमाल किया गया है, आप देख सकते हैं कि हर जगह जो है ना वो कोई भी सब स्टैंडर्ड काम इस पूरे किचन के अंदर नहीं नज़र आ रहा। और किचन जो है वो ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है,
और ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट फैन भी आप देख सकते हैं कि सीलिंग के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब हम आपको जो है ना घर के अंदर जो रूम्स हैं उसका विजिट कराएंगे, तो आए। अच्छा जी, ये पहला रूम है इसका और आप देख सकते हैं कि रूम की एक वॉल जो है ना वो बकायदा पता चल रहा है कि यू हैव टू प्लेस योर बेड ओवर हेयर, ठीक है ना। और इसके अंदर एक वॉलपेपर दिया हुआ है, इधर डिफरेंट वॉलपेपर है, इस वॉल के ऊपर डिफरेंट वॉलपेपर है, लाइट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी सी दी हुई हैं। और हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं हर घर में बताता हूँ कि जो अलमारी है ना वो बेसिकली वार्डरोब जो है वो जब अंदर होती है ना वॉल के तो उसकी खूबसूरती बड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि वो वॉल के साथ अलाइंड होती है, ठीक है ना। तो ये दिस लुक्स मोर ब्यूटीफुल एंड इट टेक्स लेस ऑफ योर स्पेस, ठीक है ना, काफ़ी कम जगह ले लेती है। आप देखें प्रॉपर वार्डरोब्स, अच्छी वार्डरोब्स बनी हुई है, अच्छी शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसके ना वॉशरूम की तरफ आते हैं। वॉशरूम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वैनिटी देखें आप, ऑलरेडी एक वैनिटी इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है, और अच्छी वैनिटी है, ऊपर तक टाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, और फैसल की एसेसरीज लगी हुई हैं, अच्छा काम हुआ है सारा। अच्छा, अभी हम आपको जो है ना जूं ही एंटर होते हैं तो एक पाउडर रूम दिखाते हैं। आए मैं आपको ये पाउडर रूम दिखाऊंगी, ये छोटा सा एक पाउडर रूम है। आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक और गोल्डन कलर का जो एक बाउल है वो रखा हुआ है, और आप देखें कितना सिंपलिस्टिक सा है ये और बड़ा एलिगेंट सा, लेकिन इट्स लुकिंग वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस। अभी मैं आपको जो है ना ऊपर वाली स्टोरी दिखाता हूँ और ऊपर वाली स्टोरी के अंदर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो आपको दिखाऊंगा। आप देखें कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ना ये मार्बल की जो है वो लगाई हुई है स्टेयर्स, और इधर से हम जो है ना ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम ऊपर वाली स्टोरी के ऊपर आ गए हैं और इधर हम एंटर होते सारी सबसे पहले तो हमारे सामने आ जाता है जो कि टीवी लाउंज है। तो ये एक छोटा सा टीवी लाउंज है ऊपर वालों के लिए, ठीक है, और ऊपर वाले पोर्शन वालों के लिए। ज़बरदस्त किस्म की सीलिंग आपको नज़र आ रही है, सीलिंग के अंदर अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। बेसिकली नॉर्मली घरों के अंदर डिफरेंट सीलिंग होती है, इसके अंदर अच्छी जो है ना वो स्पॉटलाइट्स वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है। और सामने एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सारा किचन है, बिल्कुल उसी स्टाइल का जिस स्टाइल का नीचे है, वही सारी एसेसरीज़ यूज़ की गई हैं और यही मार्बल लगाया हुआ है। बहुत अच्छा किचन है, बड़ा किचन है। एक्चुअली लोगों का अक्सर इतराज़ होता है कि किचन बहुत छोटे हैं, बट इन दिस केस द किचन इज़ रियली नाइस। अब हम आपको ना इस रूम का विज़िट कराते हैं। रूम ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है ना वॉलपेपर इस्तेमाल हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और ये अच्छा वॉलपेपर इस्तेमाल हुआ है, हाई क्वालिटी वॉलपेपर चाहिए। वॉलपेपर्स के बाद हमारे पास वार्डरोब्स आ गई हैं, अच्छी वार्डरोब्स बनाई हुई हैं, और एक छोटा सा वॉशरूम है, और इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि फैसल की एसेसरीज यूज़ की गई हैं, अच्छी फिटिंग्स हैं, वैनिटी प्रॉपर लगी हुई है, वेरी नाइस। स्विचेस वगैरह जो हैं वो अच्छे यूज़ किए गए हैं, सारे जितने भी हैं अच्छे स्विचेस हैं ये। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अच्छा दिस इज़ दी लास्ट रूम इन दिस हाउस, और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक वॉल के अंदर जिस तरह हर घर के अंदर हर कमरे के अंदर हुआ हुआ है, एक वॉल जो है वो डिज़ाइन हुई हुई है थोड़ी सी, और साथ ही हमारे पास एक जो है वो वॉशरूम आ गया। ये वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा है, इसके अंदर फैसल की एक्सेसरीज हैं वही, और टाइल्स बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, जगह पर लगी हुई हैं सारी, फिटिंग जो है वो अच्छी लगी हुई है, और वार्डरोब भी है इसके अंदर, वॉक इन टाइप वार्डरोब बनी हुई है। और ये वाला वो रूम है बेसिकली जो कि वायर के साथ अटैच्ड है, और ये है जी हमारे पास बेसिकली ये व्यू होगा आपका जब आप जो है ना घर का फ्रंट देखना चाहें अगर, तो दिस इज़ द व्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। और ये घर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ ये घर है, और ये घर जो है आपको मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 2,25,00,000 रुपये में, और इस घर की डिमांड जो है वो 225 है। अगर आपको घर पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।